अस्सलाम वालेकुम लेडीज़, आज हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रहे हैं और ये है क्रिस्पी बीफ चिली ड्राई। और स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हमने बीफ का गोश्त लिया है और ये गोश्त है अंडर कट का। अंडर कट ज़रूरी है वरना गोश्त गलता नहीं है। और ये देखें जूलियन कट में गोश्त हुआ हुआ है। ये देखें, ये है आपकी जूलियन कटिंग। इस तरह आपको गोश्त को काटना है जूलियन कट में, सही है। अब हम इसके अंदर जो मैरिनेशन यूज़ करेंगे वो नोट कर लें। ये है हमारे पास चिली सॉस 2 टेबल स्पून, वॉर्चेस्टर शायर 1 टेबल स्पून, सिराचा 2 टेबल स्पून और सोया सॉस 2 टेबल स्पून। अब ये हमारे पास है कॉर्नफ्लावर 1 कप, केचप 1 टेबल स्पून, ऑयल है हमारे पास 1/2 कप, हनी है हमारे पास 1 टीस्पून। ये कुछ मसाले हैं जो हम इसमें डालेंगे, ये नोट कर लें। काली, ये है चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून। ये हम तलहार मिर्च या कश्मीरी मिर्च कहलाती है, ये हम शुरू में डालेंगे, 2 ले लें आप। और ये है तेल हमारे पास 1 टेबल स्पून ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। अच्छा, वेजिटेबल्स नोट कर लें जो इसमें जाएंगी। उसमें है हमारे पास ग्रीन चिलीज 4, और जिसको हमने जूलियन कट में काटा है ये देखें, और ये हमारे पास कैप्सिकम, इसको भी हमने जूलियन कट में लिया है 1 बड़ी, और ये है लहसुन हमारे पास जिसको हम चॉप करेंगे 4-5 चावे, अंडा है जिसमें हम मैरिनेशन में हम इसकी सफ़ेदी यूज़ करेंगे खाली, और लेमन है 1 अदद, 1 अदद अंडा और 1 अदद लेमन। तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अब बीफ को जो है मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में जो चीज़ें हम डाल रहे हैं वो है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, नमक है हमारे पास जितना आप हसब ज़ायका यूज़ करें इसको, चिकन पाउडर डलेगा थोड़ा सा 1 टीस्पून, और वाइट पेपर थोड़ी सी डलेगी, मतलब ये सीजनिंग है। अच्छा, मसाले देखें अपने हिसाब से हमेशा एडजस्ट करें, ये नहीं कि मैंने जो कह दिया आप उतना ही डालें, क्योंकि हर एक का टेस्ट कमोबेश होता है। अच्छा, ये सोया सॉस है, ये 1 टेबल स्पून डालेंगे हम मैरिनेशन में। अच्छा, अब हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, मतलब 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेगा इसके अंदर। अब इसको हम मिक्स करके मैरिनेट करेंगे 1/2 आवर के लिए। सॉस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये केचप है, सबसे पहले हम केचप डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून, सिराचा सॉस 2 टेबल स्पून, और ये हमारे पास है वॉर्चेस्टर शायर 1 टेबल स्पून, और ये हमारे पास है चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सही। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे, और हनी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, ये हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून हनी। अब इन सबको मिक्स कर देंगे, और जब हमारा बीफ चिली फ्राई होगा सबसे पहले, उसके बाद फिर इसकी ग्रेवी में हम ये यूज़ करेंगे। इसके अंदर 1 लेमन जूस इसको यूज़ करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखें हमारा बीफ मैरिनेट हो गया है। एक चीज़ में डालना भूल गई थी, सिरका 2 टेबल स्पून सिरका हम इसके अंदर डालेंगे, और अब हम इसको मिक्स करके हम कॉर्नफ्लोर में इसकी कोटिंग करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नाज़रीन, ये बीफ हमारे बीफ स्ट्राइप है, ये देखें। अब इसको 1 बाय 1 हम इस तरह कॉर्नफ्लोर में कोट करेंगे अपने दूसरे हाथ से, यूं करके प्रेस करके, और इसको यूं झाड़ के अपनी प्लेटर पर रखेंगे। ये देखें, मैं अगेन आपको दिखा रही हूं करके। ये देखें, ये हमने बीफ लिया, इसको यूं कॉर्नफ्लोर में डाला, और यूँ हमने इसको कोट करके इधर रख दिया। ये बीफ है, इसको हमने इसमें डाला, इसको यूँ कोट किया, अब इसको साइड पे रखेंगे। अब इस तरह हम सारे तैयार करेंगे। मैरिनेट हो गया है, अब हम इसको देखें, ये पीस उठाएंगे, इस तरह कॉर्नफ्लोर में डालेंगे, और इसको हम कॉर्नफ्लोर इस पर कोट करेंगे, और इस तरह हम प्लेटर में डालते जाएंगे। इस तरह हम सारे कोट कर लेंगे। नाज़रीन, अब ये हम लोग गोश्त को इसमें डाल रहे हैं फ्रायर में अपने। आप अपनी कढ़ाई में किसी में भी फ्राई कर सकते हैं। इसको अब हमें मीडियम आंच पर इसको फ्राई करना है। अच्छा, एक और मैं आपको टिप देने जा रही हूँ।
बीफ जो है ना वो क्रिस्पी बड़ी मुश्किलों से होता है, चिकन तो हो जाता है एक दफ़ा में। बीफ को क्रिस्पी करने का तरीका ये होता है कि आप पहले एक दफ़ा फ्राई करें, गोल्डन मत करें, बस फ्राई कर लें, फिर उसको बाहर निकाल लें, बाहर निकाल के 5-10 मिनट छोड़ दें ताकि उसका पानी निकल जाए, और फिर इसको अगेन फ्राई कर लें। इससे ये होता है कि बीफ क्रिस्पी हो जाता है। एक दफ़ा फ्राई हो गया, अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए छन्नी में रख दिया है 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट बाद हम इसको दोबारा से फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अब मैं अपनी ग्रेवी बनानी स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे 1/4 कप। उसके अंदर हम गार्लिक चॉप की हुई अपनी गार्लिक डालेंगे। एक होती कर रही हूँ लहसुन को। इसके बाद इसके अंदर हम कलमार मिर्च डालेंगे, जो हमने कलमार मिर्च ली थी ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, ज़रूर डालें हम, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट होता है। अब ये वेजिटेबल जब हम सॉरी लहसुन जब हमारा थोड़ा सौते हो जाए, खुशबू आने लगे सलार मिर्च की भी, फिर इसके अंदर हमने सॉस जो बनाया था हमने सॉस वो डालेंगे। ये देखेंगे हमने सॉस डाल दिया, सॉस डाल दिया हमने, और सॉस डाल के मिक्स करेंगे, और फिर इसके अंदर हम अपना क्रिस्पी बीफ ऐड करेंगे। ये देखें क्रिस्पी बीफ हमारा है, हमने इसको बस डाल के फौरन सौते करना है। और ये देखें ये हमारी ग्रीन चिलीज थी, हमने ये डाल दी, ये हमारी कैप्सिकम थी, हमने ये भी डाल दी, ये हमने सब सौते किया अपना। अच्छा कुछ लोग इसकी ये देखें ये कॉर्नफ्लोर, उसमें से मैंने एक चमचा बचाया था थोड़ा ग्रेवी स्टिकीनेस के लिए, हमने ज़रा सा इसके अंदर डालेंगे और डाल के फौरन से इसको मिक्स करेंगे। बस ज़रा सा हमने डाला है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर घोल के इसके अंदर, हमने यूँ करके मिक्स करें से इसको। स्पाइसेस हैं 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और ये चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, हाफ पहले डाल चुके थे हम, और ये सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। बस आप इसको मिक्स कर दें और फिर ये डिश रेडी है, तो डिश आउट कर लें। रेडी है, अभी मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। ये ऊपर से आप ये स्प्रिंकल कर दें अपने तेल।